So, beta, today our topic is nation. Okay? Yes, sir. जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों से कहा, बेसिक टर्म्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. फर्स्ट नेशन, सेकंड स्टेट, देन नेशन स्टेट, देन स्टेट नेशन, देन नेशनलिज्म, देन पैट्रियटिज्म. अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज नेशन. ये नेशन जो है, जिसको हम कौम कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं, बेसिकली ये एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है. नेशन इज ए बॉडी ऑफ पीपल, इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु फील देमसेल्व्स टू बी लिंक्ड टुगेदर बाय सर्टेन एफिनिटीज विच आर सो स्ट्रॉन्ग एंड रियल फॉर देम दैट दे कैन लिव हैप्पीली टुगेदर. नेशन एक बॉडी ऑफ पीपल होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ओके, जिनको लगता है कि हम सभी एक हैं, जिनमें फीलिंग ऑफ वननेस होती है, जिनमें सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग होता है. ओके, मैंने इसलिए यहां पे इस एफिनिटी को एनसर्कल किया कि नेशन बेसिकली किन किन चीजों से बनता है. ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है, इनमें है फीलिंग ऑफ वननेस, इनमें है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट मेक्स अ नेशन, व्हाट मेक्स अ नेशन. आखिरकार ये कौम किन किन चीजों से बनता है? अगर ये लोग अपने आप को फील कर रहे हैं कि हम एक हैं, कौम में जो लोग होते हैं उनमें होती है फीलिंग ऑफ वननेस, आखिरकार वो कौन से फैक्टर्स है जिससे एक कौम जन्म लेता है, जिससे एक कौम बनता है? व्हाट मेक्स अ नेशन. तो बेटा, ये एक डिबेट है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं. इसमें हम डिफरेंट स्कॉलर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम डिफरेंट फिलोसफर्स के बारे में पढ़ेंगे. हम जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार कौम किन किन चीजों से बनता है, वो कौन कौन सी एफिनिटीज है जो नेशन को क्रिएट करती है. तो इसका आंसर जो है यहां पे मैंने लिखा, पहला फिलोसफर, द फर्स्ट स्कॉलर हु डिफाइंड नेशन एंड हिज नेम वॉज अर्नेस्ट रेनान. बेटा, अर्नेस्ट रेनान, ही वॉज अ फ्रेंच स्कॉलर, ये एक फ्रांसी स्कॉलर था. क्या हुआ, ये 19th सेंचुरी तक जो ये नेशन था ना, ये डिस्क्राइबड था ऑनली, ये डिफाइंड नहीं था. मतलब कि इसके ऊपर कोई ऑथेंटिक डेफिनेशन नहीं थी 19th सेंचुरी तक. पेरिस में, फ्रांस में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ सरबोने. यूनिवर्सिटी ऑफ सरबोने में 1882 में ये अर्नेस्ट रेनान जो था, ये स्पीच दे रहा. इससे क्वेश्चन पूछा गया, सर बड़े अफसोस की बात है कि आज तक नेशन डिफाइंड नहीं. तो यही अर्नेस्ट रेनान, यही फ्रेंच स्कॉलर, यूनिवर्सिटी ऑफ सरबोने में 1882 को एक बड़ा लंबा स्पीच देता है नेशन के ऊपर. इसने जो ये स्पीच दिया ना बेटा, इसके इस स्पीच को रिकॉर्ड किया गया, इसको रिकॉर्ड किया गया एंड लेटर ऑन इसको पब्लिश किया गया इन द फॉर्म ऑफ मैगजीन्स. ओके, इससे मैगजीन्स निकाले गए, जैसे मार्केट में मैगजीन्स आते हैं. और मैगजीन का जो टाइटल था, अंडर द टाइटल एक फ्रेंच टर्म है, क्यूस्ट सी क्यू नेशन, क्यूस्ट सी क्यू नेशन, ये फ्रेंच टर्म है. इसका मतलब है व्हाट इज अ नेशन, व्हाट इज अ नेशन. तो अब मार्केट में मैगजीन्स आ गए, क्यूस्ट सी क्यू नेशन. ओके, तो इसका मतलब है व्हाट इज अ नेशन अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनान. तो अब हम देखेंगे व्हाट इज क्यूस्टिसी क्यू नेशन, व्हाट इज नेशन, और क्या है नेशन अर्नेस्ट रेनान के हिसाब से. अर्नेस्ट रेनान जो ये फ्रेंच फिलोसोफर था, ये कैसे कौम को डिफाइन करता है, ये कैसे कौम को. तो बेटा, फर्स्ट स्कॉलर, द फर्स्ट स्कॉलर हु डिफाइंड नेशन वाज अर्नेस्ट रेनान. 1882 में इसकी डेफिनेशन आती है. ओके, तो इसने क्या कहा, इसने कहा ही डिफाइंड नेशन एज ए ग्रुप ऑफ पीपल ब्रॉट टुगेदर बाय विल
कॉन्शियसनेस एंड कॉमन मेमोरी। अर्नेस्ट रिनान कहता है कॉम जो है ये एक बॉडी ऑफ पीपल होता है, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो तीन फैक्टर्स से बनता है। इसने तीन फैक्टर्स के ऊपर जोर दिया और ये तीनों फैक्टर्स जो है ये वॉलंटरिस्टिक है। ओके तो ये क्या क्या उसने कहा? कहा सबसे पहले विल, मर्जी, चाहत। ओके कहा तब तक कौम नहीं बनेगा जब तक लोगों में चाहत नहीं होगी। ओके चाहत के बगैर कौम नहीं बन सकता है। विल लाओ, कौम बनाओ। और नष्ट रिना दूसरा उसने कहा कॉन्शियसनेस। क्या कहा? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस बेटा कहते हैं शऊर को, बेदारी को, शऊर को, अवेयरनेस को। ओके उसने कहा जब तक लोगों में शऊर नहीं होगा तब तक उनमें फीलिंग ऑफ वननेस नहीं आ सकती, अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रिनान। एंड थर्ड फैक्टर जो उसने बताया दैट वाज कॉमन मेमोरी, कलेक्टिव मेमोरी, एक याददाश्त, एक सोच, ये सोचना कि हम पास्ट में एक ही थे। ओके डिफरेंट कल्चर्स के लोग, डिफरेंट कलर्स के लोग, डिफरेंट कास्ट्स के लोग, हम पास्ट में एक थे और हमें प्रेजेंट में भी क्या करना है। तो बेटा एक और फैक्टर जो इसने बताया कॉमन मेमोरी। तो ये तीन फैक्टर्स के ऊपर जोर देता है, याद रखेंगे सभी, विल, कॉन्शियसनेस, कॉमन मेमोरी। और नष्ट रिनान कहता है कि हमें कॉम बनाना है, कॉम बना हुआ नहीं होता। इसने वॉलंटरिस्टिक फैक्टर्स दिए हैं। आई होप यू गॉट इट। इसने कहा नेशन तीन चीजों से बनता है, विल, इंसानी मर्जी के बगैर। सुनिए जब तक लोगों में मर्जी नहीं होगी एक होने की नहीं हो सकती। अरे चाहत की कोई चीज होती है, उसके बाद शऊर, शऊर होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर लोगों का कल्चर सेम है लेकिन उनमें शऊर नहीं है, उनमें अवेयरनेस नहीं है तो तब तक कौम नहीं बन सकता है। एंड लास्ट में इसने कहा कॉमन मेमोरी, कॉमन मेमोरी रखो, कलेक्टिव मेमोरी रखो, हम पास्ट में एक थे। ओके तो बेटा ये अर्नेस्ट रिनान जो है इसको क्रिटिसाइज हो गया, इसको क्रिटिसिज्म का भी को भी फेस करना पड़ा, इसका क्रिटिसिज्म भी होता है। तीनों फैक्टर्स के ऊपर इसको क्रिटिसिज्म हुआ। पहला क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, इससे ये कहा गया कि सर आपकी डेफिनेशन बहुत वास्ट है, इसकी डेफिनेशन बहुत वास्ट है। ये कहता है कि विल लाओ कौम बनाओ, ऐसा थोड़ी होता है। चोर आपस में विल लाएंगे नेशन बनेगा, हॉस्टल के स्टूडेंट्स आपस में विल लाएंगे और नेशन बनाएंगे। तो मैं आपसे कहता हूं कि इसकी डेफिनेशन बहुत वास्ट है, ये एक ऐसा समंदरी जाल है, जब हम इसको समंदर में फेंकते हैं, जब हम उसको वापस खींचते हैं तो वहां पर कौम के साथ साथ गैर कौम भी इसमें आ जाता है। नंबर टू, चलो मान लेते हैं इसके हिसाब से विल, कॉन्शियसनेस हम लाएंगे और कौम बनाएंगे, तो एक ऐसा नेशन बनेगा जिसकी कोई पहचान नहीं होगी। बेटा कौम दूर से ही पहचाना जाता है कि उस देश के लोग हैं, उनके कल्चर से, उनकी लैंग्वेज से। इसने ना लैंग्वेज कहा ना कल्चर कहा, इसने बस वॉलंटरिस्टिक फैक्टर उसको सपोर्ट किया। सेकेंड इसने कहा कॉन्शियसनेस, शऊर लाओ, कौम बनाओ। तो मैं आपको बताऊं कॉन्शियसनेस जो है ना बेटा, इससे पहले होता है शऊर, शऊर से पहले होता है शय, कॉन्शियसनेस से पहले होता है शय, शय मींस ऑब्जेक्ट। पहले आप हो तब मैं आपसे कहूं बी कॉन्शियस, पहले लोग हैं फिर शऊर है, पहले कौम है फिर शऊर है। मींस कॉन्शियसनेस से नेशन नहीं बनेगा, बल्कि नेशन पहले होता है, उसको कॉन्शियस होना पड़ता है। कॉन्शियसनेस इज सेकेंडरी, प्राइमरी इज नेशन। यहां पर भी किसको क्रिटिसिज्म हुआ। एंड थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आप लोगों को पता है इसने क्यों वॉलंटरिस्टिक फैक्टर सपोर्ट किया? बिकॉज ही वॉज अ फ्रेंच स्कॉलर। एंड आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा क्लास नाइन्थ में 1789 में वहां पे आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन। उस फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से वहां पे नेचुरल फैक्टर्स इस टाइम ऑलरेडी आए थे।
फ्रांस में इस टाइम ऑलरेडी एक टेरिटरी बनी थी, वहां की लैंग्वेज एक हुई थी, वहां के पर नेचुरल फैक्टर्स, वहां पे एक कल्चर आया था। अब वहां पर जो कमी थी वो थी शऊर की, वो थी मर्जी की, ये चीजें, अब इन चीजों की जरूरत वहां पर थी। नेचुरल फैक्टर्स वहां पे ऑलरेडी आए थे फ्रांस में। तो मैं आपको ऐसे बताऊं कि बेसिकली इसने डेफिनेशन दी फ्रांस को देकर, इसकी डेफिनेशन बेटा याद रखेंगे, इसकी डेफिनेशन वहां पर सूट होगी जहां पर ऑलरेडी नेचुरल फैक्टर्स मौजूद होंगे, एक टेरिटरी, एक कल्चर, एक लैंग्वेज। इसकी डेफिनेशन वहां पे सूट नहीं होंगी, उन देशों में सूट नहीं होंगी जहां पे इंडिजिनस लोग रहते हैं, लाइक इंडिया। इसकी डेफिनेशन इंडिया में काफी नहीं, वो देश, वो इलाका जहां पे इंडिजिनस लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट ट्रेडिशंस, डिफरेंट लैंग्वेजेस, वहां पर इसकी डेफिनेशन से नेशन नहीं बन सकता। हालांकि चूंकि वो फ्रांस का था, वहां पे नेशनल फैक्टर्स मौजूद थे, तो इसने फ्रांस को देखकर डेफिनेशन। आई होप यू गॉट इट, इज इट क्लियर टू यू? सो अर्नेस्ट रेनान, ही डिफाइंड नेशन एज अ ग्रुप ऑफ पीपल ब्रॉट टुगेदर बाय विल कॉन्शियसनेस एंड कॉमन मेमोरी। इसका क्रिटिसिज्म हुआ, इसकी डेफिनेशन वास्ट है, कॉन्शियसनेस से पहले नेशन है, एंड ये फ्रेंच स्कॉलर था, वहां पे नेशनल फैक्टर्स ऑलरेडी थे, इसलिए इसने नेशनल फैक्टर्स को सपोर्ट नहीं किया। थैंक यू। ओके चलिए।